अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल मैंने फिफ्थ चैप्टर का टेस्ट भेजा था, आज इसको डिस्कस करना है। तो इसमें 7 MCQs, 5 शॉर्ट और 2 ए बी करके लॉन्ग थे, और टोटल 25 मार्क्स का ये टेस्ट है। इसमें फर्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच, ये पेज नंबर 69 पे आप देखें, लास्ट पैरा में जहाँ पे रॉबर्ट विटाकर है 1969 का, इसमें नीचे 5 ग्रुप जो इसने 5 किंगडम्स बनाए हैं। तो प्रोक्रियोट्स जो हैं, ये पहले वाला जो मनेरा में होते हैं, यूक्रियोट, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, जबकि यूक्रियोटिक ऑटोट्रोफ्स प्लांट्स, जबकि यूक्रियोटिक रिड्यूसर्स ये फंजाई है, और यूक्रियोटिक कंज्यूमर्स एनिमेलिया। अब इनको देखें तो इसमें मिसमैच जो है वो सी ऑप्शन बनता है। प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा जो है ये यूक्रियोटिक होते हैं, प्रोक्रियोटिक नहीं होते हैं, ये मिसमैच हो गया, सी ऑप्शन। फिर सेकेंड, मैड काउ इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई, ये पेज नंबर 73 पे ब्लॉक के अंदर नीचे दिया हुआ है। तो इसको रीड करें तो इसमें आपको मिल जाएगा कि ये मैड काउ इन्फेक्शन लास्ट लाइंस में, तो ये मैड काउ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्राइंस, तो ये डी ऑप्शन बनता है। फिर थर्ड MCQs, द टेल ऑफ बैक्टीरियोफेज रिलीजेस एंजाइम्स टू डिसॉल्व अ प्रोटीन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, ये पेज नंबर 75 पे सेकंड पैरा, इसके पांचवी छठी लाइन पढ़ें सेकंड पैरा की, तो लाइसोजाइम टू डिसॉल्व ए पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ये बी ऑप्शन बनता है, लाइसोजाइम। नंबर फोर, हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, ये बिल्कुल लास्ट पेज है इस चैप्टर का, 80 पेज पे हेपेटाइटिस की पहली लाइन में ये इन्फ्लेमेशन वाली बात की, इसकी डेफिनेशन में भी ये आ जाता है, तो ये लीवर, लीवर की इन्फ्लेमेशन है, तो ऑप्शन बनता है सी। फिफ्थ, विच वन ऑफ देम ट्रूली डिस्क्राइब फंजाई, ये भी 69 पेज, यहाँ पे 2 to 5 किंगडम लास्ट पैरा, तो लास्ट 3 लाइंस में ही इसका बताया हुआ है। फंजाई वाला पढ़े तो चौथे वाला जो ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स, ये फंजाई में आते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम वगैरह, तो ये ऑप्शन बनेगा सी, यूक्रियोटिक रिड्यूसर्स। सिक्स, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल, इसी पेज में ऊपर पहला पैरा जो है शुरू में, लीनियर सिस्टम ऑफ गिविंग ये साइंटिफिक नेम, इसकी पांचवी छठी लाइन में देखें, छठी लाइन में ये पोटैटो का दिया हुआ है सलानम ट्यूबरसम, और ब्रिंजल का सलानम मेलनचेना, तो ये ए ऑप्शन बनता है। फिर 7 MCQs, विच वन ऑफ देम इज नॉट ए वायरल डिजीज, इसमें सी ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे जो डिजीज हैं वायरल डिजीजेस, पेज नंबर 76 और 77 पे, तो स्मॉल पॉक्स हो गई, हर्पीस सिंप्लेक्स हो गई, इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स, पोलियो वगैरह, लेकिन इससे कंफर्म नहीं होता ये कौन सी है। तो ये चैप्टर नंबर 1 ये एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, और टाइफाइड जो है ये एक्चुअली ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसको सर्च भी कर सकते हैं आप। तो ये पेज नंबर 15 में ये तीसरा MCQs है,
और ऑप्शन सॉरी हाँ ये टाइप फाइट बनता है, यहाँ पे टेटनस दिया हुआ है 15 पेज पे, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। अब अगर दूसरे एंगल से देखें कि मम्स ये वायरल हो गई, स्मॉल पॉक्स वायरल हो गई, टाइफाइड का कन्फ्यूजन है, तो पोलियो भी कंफर्म है कि ये वायरल है, तो इसका मतलब एक ही रह गई या एक ही ऑप्शन रह गया टाइफाइड, तो ये वायरल नहीं होगा। यानी दोनों तीनों एंगल से इसको देखा जा सकता है, ऑप्शन ये बनेगा टाइफाइड, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो आना चाहिए था बहरहाल। वन, राइट अबाउट द मॉडिफिकेशन मेड फॉर द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 70 पेज पे मॉडिफिकेशन की है इसकी, सेकंड पैरा 70 पेज सेकंड पैरा, लिन मार्गुलिस एंड कार्लिनी श्वास, ये वाला पैरा 4-5 लाइनें ये आना था इसमें। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर लाइसोजाइम्स राइट देयर फंक्शंस। ये 75 पेज पे सेकंड पैरा, ये एमसीक्यूज भी आया है इसमें, 5वीं 6ठी लाइन है, चौथी 5वीं पेनिट्रेशन वाला, लाइसोजाइम्स टू डिजोल्व ए पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल वाला, ये वाला आ जाना था। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन अम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये 78 पेज पे ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम यानी फिगर नंबर 5.8, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, ये डायग्राम ड्रा करनी थी और लेबलिंग करनी थी, लेबल डायग्राम। फिर फोर्थ, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। इसी पेज पे ऊपर फर्स्ट पैरा, ये फर्स्ट पैरा की 4-5 लाइनों में देखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया हुआ है, तो ये पूरा ये सेंटेंस हो जाएगा, द रेट्रोवायरसेस हैव ए स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच कैन कन्वर्ट अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA, ये आ जाना था। उसके बाद फिफ्थ, व्हाट आर प्राइंस गिव द स्ट्रक्चर एंड पैथोजेनिसिटी। ये 73 पेज पे ब्लॉक है प्राइंस वाला, तो ये ब्लॉक पूरा आ जाना था। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ए पार्ट, डिस्कस द HIV साइकिल इन ह्यूमन विद रेफरेंस टू एड्स। तो एड्स के रेफरेंस से 79 पेज पे जो फिगर बनी हुई है नीचे, फिगर नंबर 5.9, इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV, ये आ जाना था डायग्राम, और साथ में इसके चारों पॉइंट ये वाले लिखने थे। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, राइट ए डिटेल नोट ऑन हेपाटाइटस, ये अगले पेज पे है इसके 80 पे, हेपाटाइटस ये सारा इसका लिखना था। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक ये पेपर डिस्कस हो गया नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।